अब हम पढ़ेंगे दी एट्रियम के बारे में, जो 10th क्लास की बुक पेंटिंग NIOS का एक टॉपिक है। इसका शीर्षक है दी एट्रियम, माध्यम है कागज पर पानी के रंग, समय है 1920, कलाकार थे इसके गगेंद्रनाथ टैगोर, संकलन है इसका रविंद्र भारती सोसाइटी, जोरा संको कोलकाता। इसका अब हम सामान्य विवरण जानेंगे। गगेंद्रनाथ टैगोर का जन्म 1867 में कोलकाता के टैगोर परिवार में हुआ। अपने समकालीन भारतीय चित्रकारों के मध्य उनका एक अग्रणी स्थान था। 1910 से 1921 के दौरान टैगोर की प्रमुख कृतियों में हिमालय पर्वत श्रृंखलाओं के चित्र, कलाकर्म में चैतन्य की जीवन गाथा तथा भारतीय जीवन को दर्शाते हुए चित्र हैं। एक तरफ उन्होंने अपने भाई अभिन्द्रनाथ की कला का समर्थन किया, तो दूसरी ओर यूरोप की धनवादी विचारधारा की ओर अपने रुझान को भी प्रदर्शित किया। बाद में अपने जीवन के अंतिम वर्षों में उन्होंने स्पष्ट रूप से अपनी एक स्पष्ट शैली बना ली तथा अपनी छाप के घनवाद को विकसित किया। उसके अनुसार घनवाद का मूल उद्देश्य अभिव्यक्ति को गुण ज्यामिति आकारों के माध्यम से अभिव्यक्त करना था। काफी काफी लंबे प्रयोगों के बाद उन्होंने अपनी तकनीक विकसित की। रविंद्रनाथ ने समतल ज्यामितीय छाया आकारों को रंगों द्वारा आच्छादित करके रहस्यमय बनाया। वह निश्चय ही सुंदर संयोजक के विशेषज्ञ यानी गुरु हैं। अपने कला चित्रों में हल्के रंग तथा छाया के माध्यम से ज्यामिति आकारों तथा सरल आकारों को आकार देना प्रारंभ किया। उन्होंने कभी भी पाश्चात्य कला शैली का अंधानुकरण नहीं किया। वे अपने समय के एक महान कला समीक्षक भी रहे तथा उनके कार्टून व्यंग चित्र भी बहुत चर्चित थे। अपने व्यंग चित्रों के माध्यम से उसने कोलकाता के विभिन्न दृश्यों को दिखलाया तथा कोलकाता वासियों के मनोरंजन और विनोदी जीवन को भी चित्रित किया। पाश्चात्य संस्कृति से प्रभावित बंगालियों पर किए गए व्यंग्यों के लिए भी उनके व्यंग चित्र बहुचर्चित हैं। गगेंद्रनाथ टैगोर के चित्रों में से एक चित्र दी एट्रियम असाधारण कलाकृति है, जो उनकी कृतियों पर घनवाद के प्रभाव का नमूना है। कला के क्षेत्र में घनवाद एक ऐसी शैली है जिसमें वर्णित वस्तुओं को ज्यामितीय आकार में संयोजित कर प्रस्तुत किया जाता है। उन्होंने अपने चित्रों में यही शैली अपनाई। एक घनवादी कलाकार की भांति इन ज्यामितीय आकारों से ही अपनी कृतियाँ बनाई। इस चित्र में रंगों के माध्यम से प्रकाश एवं छाया के अपूर्व संयोजक के प्रयोग से हुए प्रभाव को दर्शाया है। यद्यपि गगेंद्रनाथ ने अपनी प्रारंभिक कृतियों में बहुत से रंगों का प्रयोग किया, परंतु इस चित्र में विभिन्न छाया तथा रंगों का प्रयोग किया है। यद्यपि यह आकृतियाँ अमूर्त हैं, तथापि चित्र को समझना आसान है। उस समय के किसी भी कलाकार ने इस पाश्चात्य अवधारणा का प्रयोग नहीं किया। रवींद्रनाथ टैगोर को आज भी एक ऐसे कलाकार के रूप में जाना जाता है जिन्होंने कई प्रयोग किए। 1938 में उनका देहावसान हुआ। अपने चित्रों तथा व्यंग चित्रों के द्वारा वह अभी भी जिंदा हैं। अब हम इस टॉपिक के पाठगत प्रश्न करेंगे 8.3 के। इसका पहला क्वेश्चन है, 1910 से 1921 तक गगेंद्रनाथ ने किन विषयों को चुना? इसका उत्तर है, 1910 से 1921 तक गगेंद्रनाथ ने हिमालय के रेखा चित्र तथा चैतन्य का जीवन के चित्रों को चुना। इसका दूसरा क्वेश्चन है, उनके चित्र दी अट्रियम में किस यूरोपीय शैली का प्रभाव दिखाई देता है? इसका उत्तर है, उनके चित्र दी एट्रियम में घनवाद यूरोपीय शैली का प्रभाव दिखाई देता है। इसका तीसरा क्वेश्चन है, गगेंद्रनाथ व्यंग चित्रों में किस पर व्यंग साधा गया है? इसका उत्तर है, कोलकाता के दृश्य तथा वहाँ के निवासियों के व्यंग्यात्मक चित्र। चौथा क्वेश्चन है, दी एट्रियम बनाने में किस माध्यम को चुना गया है?
इसका उत्तर है दी अट्रियम बनाने में पानी के रंग या कागज का प्रयोग किया गया है।